नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार और अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल प्रॉपर्टी की बात, जहाँ पे मैं आपसे रियल इस्टेट के नए प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, पुराने प्रोजेक्ट का रिव्यू करते हैं। इसके अलावा अगर रियल इस्टेट की कोई न्यूज़ होती है तो उसका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज जो मैं आपके लिए प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, अरिहंत ग्रुप का प्रोजेक्ट है अरिहंत अबोड, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 10 में है। इस प्रोजेक्ट के बारे में कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे बिल्डर की प्रोफाइल जानना चाहते हैं, या फिर प्रोजेक्ट की डिटेल देखना चाहते हैं, या इसके प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं, या इस प्रोजेक्ट का ब्रोशर आप देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ये वीडियो मैंने सेक्शन वाइज बनाया है, आपको जो सेक्शन देखना है आप उसको क्लिक करेंगे, वीडियो वहीं से शुरू हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट अरिहंत ग्रुप की कंपनी है प्रॉस्पर बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। ये जो कंपनी बनी थी अक्टूबर 2013 में बनी थी, और अगर इस ग्रुप के वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो अब तक इन्होंने करीब 7 प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया है, 3 प्रोजेक्ट इनके अनगोइंग है। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, और रेरा के साइट के अकॉर्डिंग ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुआ था, और इनको जो पजेशन देना था वो नवंबर 2024 में देना था, बट कोविड के वजह से 6 मंथ का रेरा ने इनको एक्सटेंशन दिया है। तो अब जो नया पजेशन डेट है इनका वो मई 2025 है, बट बिल्डर का जो पजेशन देने का अपना टारगेट है वो अक्टूबर 2022 है। इस प्रोजेक्ट के पूरे लैंड साइज की बात करें तो 5 एकड़ पे पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसमें जो टोटल जो टावर्स बिल्डर बना रहा है 11 टावर्स बना रहा है, और मैं टावर हाइट की बात करूं तो इसमें 3 टावर जो है वो स्टील के साथ 20 फ्लोर्स के बन रहे हैं, और 8 टावर जो है वो स्टील के साथ 22 फ्लोर्स के बन रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट की बात करें तो 944 फ्लैट्स इसमें बन रहे हैं, और अगर सीलिंग हाइट की बात करी जाए तो 10 फीट की सीलिंग हाइट है। वहीं अगर मैं इसमें पार्किंग की बात करूं तो इसमें स्टील की पार्किंग है, ओपन की पार्किंग है, इसके अलावा -2 बेसमेंट पार्किंग है। वहीं मैं इस प्रोजेक्ट में ग्रीन एरिया की बात करूं तो टोटल इसमें करीब 2 एकड़ का ग्रीन लैंडस्केपिंग बिल्डर बना रहा है। वहीं अगर क्लब की बात करी जाए तो 17,000 स्क्वायर फीट का ये एलिवेटेड क्लब बना रहे हैं, जो कि 3rd फ्लोर से लेके 5th फ्लोर तक सारी मॉडर्न एमिनिटीज के साथ क्लब बन रहा है, और इसके 5th फ्लोर के टॉप फ्लोर पे ये स्विमिंग पूल बना रहे हैं। वहीं अगर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बात करी जाए तो इसमें जो एक कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं वो एल्युमिनियम शटरिंग कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं मिलने, जिसको माइमन कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर साइट लेआउट की बात करी जाए तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये जो साइट है वन साइड ओपन है, इसके फ्रंट पे 24 मीटर की रोड है, और अगर वहीं इनके क्लस्टर प्लान की बात करी जाए तो बिल्डर हर एक टावर में एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स बना रहे हैं, जिसके एक्सेस करने के लिए ये 2 लिफ्ट और 2 स्टेयर केस दे रहे हैं। और वहीं अगर मैं फ्लैट लेआउट की बात करूं तो 920 स्क्वायर फीट का ये 2 BHK बना रहे हैं, और 1055 स्क्वायर फीट का इनका 3 BHK है, और इस प्रोजेक्ट में जो सबसे बड़ा 3 BHK है वो 1160 स्क्वायर फीट का 3 BHK है। वहीं अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो 33 शॉप्स इस प्रोजेक्ट में बिल्डर बनाएगा। Thank you.
प्रोजेक्ट की अगर साइट एड्रेस की बात करी जाए तो ये प्लॉट नंबर 4B सेक्टर 10 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये प्रोजेक्ट आता है। और इस लोकेशन में पहुंचने के अगर मेजर डेस्टिनेशन से हम बात करें तो अगर सपोज करिए आप कालिंदी कुंज की तरफ से आ रहे हैं तो आपको कालिंदी कुंज से बिल्कुल स्ट्रेट 26 किलोमीटर ड्राइव करना है। आपको 26 किलोमीटर के बाद एक चौक आता है जिसको सम्राट मिहिर भोज चौक बोलते हैं, वहां से लेफ्ट टर्न करके करीब 1 किलोमीटर आप चलते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड पे ये प्रोजेक्ट की साइट आती है। नोएडा के सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन से इस प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस आता है वो करीब 14 किलोमीटर है। और वहीं गौर सिटी का जो गोल चक्कर है जिसको किसान चौक भी बोलते हैं उससे अगर इस प्रोजेक्ट के डिस्टेंस की बात करी जाए तो करीब 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है। वहीं अगर आप दिल्ली से अक्षरधाम की तरफ से आ रहे हैं तो आपको अक्षरधाम से बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव करना है और आपको इंदिरापुरम क्रॉस करते हुए सिद्धार्थ विहार आना है। सिद्धार्थ विहार से एक राइट हैंड पे एक टर्न बना हुआ है नोएडा एक्सटेंशन में एंट्री करने के लिए, वहां से आप बिल्कुल ड्राइव करके आप किसान चौक पे आते हैं और किसान चौक से आप लेफ्ट में करीब 8.5 किलोमीटर का ड्राइव करते हैं तो इस प्रोजेक्ट की साइट पे पहुंच सकते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो नॉर्मली मैं वीडियो में अपने प्राइस मेंशन नहीं करता हूं, इसके पीछे एक रीजन है क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में प्राइस मेंशन कर देता हूं थोड़े टाइम बाद जब बिल्डर अपने रेट को रिवाइज कर लेता है तो मेरे जो व्यूअर्स है उनको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं, वहां से आपको कॉल बैक आ जाएगी और आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके साथ प्राइस की भी डिटेल आपको मिल जाती है। अब मैं आपको इस प्रोजेक्ट को दो सेक्शन में बताऊंगा। एक सेक्शन में आपको बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट को अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप क्यों खरीदें, और दूसरे सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम में ये प्रॉपर्टी आप खरीदे तो आपको किस चीज का और आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप अरिहंत अबोड में प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो उसको जो बाय करने का जो सबसे बड़ा रीजन होगा वो होगा बिल्डर की प्रोफाइल। इस अरिहंत ग्रुप को जो है प्रोजेक्ट को टाइमली पोजीशन देने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इनकी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी काफी अपडेटेड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है जो कि ये माइवन की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे आपके जो प्रोजेक्ट की फिनिशिंग होती है काफी अच्छी आती है और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। वहीं अगर मैं प्रोजेक्ट की अगर रीसेल वैल्यू की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के ब्रांड वैल्यू की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में आपका रेट एप्रिसिएशन अच्छा मिलता है। और अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट के साथ कोई अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो आज के टाइम में जो जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो आज के टाइम में बिल्कुल इंटीरियर एरिया में आता है। हालांकि इसके आसपास और भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो कि तकरीबन 1-1.5 साल में कुछ प्रोजेक्ट वहां पे बिल्कुल पोजीशन में फुली ऑक्युपाइड हो गए क्योंकि वहां पे कुछ प्रोजेक्ट बिल्डर्स ऑफर कर चुके हैं जहां पे कुछ लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं कनेक्टिविटी की बात करूं तो जो नोएडा एक्सटेंशन में जो मेट्रो आ रही है वो उस मेट्रो का जो अभी तक जो DPR आई है जो लास्ट मेट्रो स्टेशन बनना है वो इस प्रोजेक्ट का जो राउंड सर्कल है मिहिर भोज जो राउंड सर्कल है वहीं पर उसका लास्ट मेट्रो स्टेशन बनना है तो जिसका भी काम भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया था बट कोविड की वजह से थोड़ा सा अभी कंस्ट्रक्शन चल नहीं रही है। बट अगर देखा जाए तो मेट्रो कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट अच्छा है। अगर स्कूल की बात करी जाए तो ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके जस्ट अपोजिट का जो सेक्टर है वो नॉलेज पार्क 5 है जिसके अंदर काफी सारे स्कूल और कॉलेज बनने वाले हैं, उसमें से कुछ और स्कूल भी ऑपरेशनल है। उसमें अगर मैं बात करूं मेनली तो GT गोयनका है, श्रीराम ग्लोबल स्कूल है, इसके अलावा एस्टर पब्लिक स्कूल है, DPS वार्ड है। अगर वहीं हॉस्पिटल की बात करूं तो यथार्थ यहां से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आता है। तो ये थी अरिहंत अबोड के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मैंने एक लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी क्वेरी छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।